हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक राव सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास की नेक्स्ट सीरीज़ बाल विकास की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये आप देख रहे हैं ना, NCF 2005, अब मुझे आप बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोथ फॉर CTET एंड UPTET। आप सभी को पता है इन दोनों में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और CTET तो 2018 में, अब आप अगर CTET का पेपर देखेंगे तो थोड़ा सा मुझे रुक जाइए, मैं TET के बारे में बताता हूँ। CTET का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें दो या तीन क्वेश्चन NCF से सिर्फ बाल विकास में ही नहीं, आपके हिंदी में भी पूछता है। क्योंकि NCF जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो भी है, ये पाठ्यक्रम है ना, यहाँ पे तो कोई मनोविज्ञान या किसी कोई चीज़ बोला नहीं ना, पाठ्यक्रम में गणित भी आता है, हिंदी भी आता है, इंग्लिश भी आता है। तो डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में कि NCF अकॉर्डिंग टू NCF 2005 व्हाट वी हैव टू डिसाइड वेदर व्हाट इज़ द क्वेश्चन देयर, मतलब हम NCF 2005 के अनुसार कोई क्वेश्चन दे, जैसे बालक कक्षा 2 का शिक्षक है और वो बालक को ये पढ़ाता है, तो NCF 2005 के अनुसार आप उसको क्या गाइडलाइन देंगे, इन चारों ऑप्शन के बारे में बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और टेट में डायरेक्ट पूछेगा NCF 2005 के जो 5 सिद्धांत हैं उनमें से कोई एक सिद्धांत, 4 ऑप्शन देगा, उनमें से पूछेगा कौन सा सिद्धांत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताने ज़रूरत नहीं है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेपर में ये। और मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी, इसके सिद्धांत के अलावा अभी NCF 2005 के जितने 5 मुख्य सिद्धांत हैं आप सभी को पता होंगे, उनके अलावा भी मैंने कई ढेर सारी चीज़ों का उल्लेख किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स थम्सअप ज़रूर दीजिएगा मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे ठंडा पीने की बहुत आदत है। तो थम्सअप ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरी मेहनत और करने के लिए मैं उत्साहित हूँ। तो आप जानते हैं ना, बालकों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए उनके कार्य के लिए, तभी वो उत्साहित होकर प्रोत्साहित होकर अपने कार्य में रुचि लेता है और आगे करता है। तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं कोई बालकपन है जो आप लोगों के प्रोत्साहन के लिए आतुर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, इंग्लिश में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005। देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हमको पढ़ना है, एक्स्ट्रा कोई भी पोथी या पन्ना नहीं पढ़ना है। आपने बहुत ढेर सारी किताबें पढ़ी होंगी इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं बस इसको इतने शॉर्ट में वीडियो में कंसिडर करूँगा कि आप बोलेंगे बस यही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और मैंने शुरू से एम मेरा यही है कि मैं आपको एग्ज़ाम पर्पस से, मतलब एग्ज़ाम के आधा घंटा पहले भी आपको कोई डाउट हो ना तो मेरा वीडियो ओपन करके देख लें कि सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आपको डायरेक्ट, और आई होप आज के बाद आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी अगर कभी डाउट हो तो प्लीज़ आप, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियो ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 5 मुख्य सिद्धांत हैं, याद रखिएगा NCF में, NCF 2005, ये 5 जो लास्ट में है तो उसी समझ लीजिए कि 5 सिद्धांत होते हैं, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक से पूरा समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ना, मतलब ज्ञान जो है हमारी किताब तक ना रह जाए, उसको बाहरी वातावरण से हम जोड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड है रटने की विधि समाप्त, मतलब रट्टू तोता नहीं बनना है हमको, ठीक है ना, चतुर रामलिंगम नहीं बनना है 3 इडियट्स का, हमको समझ के आमिर खान जो रहते हैं भाई साहब उन्हीं की तरह बनना, फुनसुख वांगड़ू जो हो जाते हैं तो उनकी तरह बनना है, हमको बच्चों को बनाना है, रटने वाली विधि नहीं करनी है। थर्ड है किताबी ज्ञान के अलावा अन्य गतिविधियों की ओर ज्ञान देना, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब बच्चा पढ़े तो पढ़े, ठीक है भाई पढ़ना भी बहुत जरूरी है, पढ़े उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मतलब डिबेट हो, डिबेट का अर्थ है एक दूसरे से वाद विवाद प्रतियोगिता, जानते ही हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी करिकुलर एक्टिविटी हो, गेम्स हो और पेंटिंग्स हो और स्कूल में ड्रामा हो, डांसिंग हो, कोई भी चीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी हो, उसमें बालक, मतलब ये पढ़ने के अलावा भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें बालक ध्यान दे, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करे। ठीक है, चौथा है कि परीक्षा प्रणाली इतनी आसान हो और जीवन से जुड़ी हुई कि बालक आराम से, कि ये परीक्षा का भय उसके अंदर ना हो,
आप सभी को पता ना जो सीसी पैटर्न लागू हुआ है, सीसी पैटर्न सीबीएसई में, ठीक है, क्यूमुलेटिव कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, क्यूमुलेटिव कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन जो है वो इसी बेसिस पे लागू हुआ है कि बच्चे के अंदर परीक्षा का भय समाप्त किया जाए। ये भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि परीक्षा का भय को समाप्त करने के लिए बच्चों के अंदर लाया गया था ये सीबीएसई में सीसी पैटर्न। तो उसी बेसिस पे कि परीक्षा प्रणाली आसान हो और जीवन से जुड़ी हुई हो, ठीक है। और लास्ट है कि देश के प्रति जागरूक होना, मतलब राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना, मतलब राष्ट्रीय एकता अखंडता, राष्ट्र के गौरव की बात, सम्मान की बात, राष्ट्र के प्रतीकों की बात, तो उससे भी पाठ्यक्रम में उन लोग को भी जोड़ना चाहिए, बालक को अपने राष्ट्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब ये पांच फैक्ट याद करेंगे तो सीरियल वाइज मैंने इसीलिए लिखा हुआ है कि आपको याद रहे। पहले क्या करना है, बालक का जो ज्ञान रहेगा तो किताब से हटकर थोड़ा सा बाहर की तरफ, क्योंकि बालक आप देखेंगे ना तो पढ़ता रहेगा, आप पढ़ाते रहेंगे तो बाहर बहुत देखे, खिड़की बाहर देखना चाहेगा, पशु पक्षियों की जो चरचराहट है, जो पशु पक्षी बोलते हैं तो उनको बाहर वो देखता है, आतुर रहता है देखने के लिए, तो इससे सीधे सा अर्थ लगा लीजिएगा बाहर के वातावरण से जुड़ना है ज्ञान को। सेकंड, रटना नहीं है अपने को, पढ़ना जो है पहली बात तो जो पढ़ने के अलावा बाहर देखना है, और जो पढ़ना भी है तो उसको रटना नहीं है, उसको समझना है, ठीक है। अब फिर अब किताब से दो स्टेप में किताब में रहे हैं, अब किताब से थोड़ा बाहर आते हैं, यहाँ तो पहले वाले में बाहर देख रहा था, फिर जो किताब पढ़ रहा है उसको रटना नहीं है, और थर्ड में बाहर अब निकल के आना है और आके नाचना गाना खेलना कूदना है, थर्ड में ये समझिएगा। चौथे में अब खेल कूद लिया भैया, तो पढ़ाई भी कर लिया तब तो थोड़ा सा एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो एग्ज़ाम ऐसा हो कि एकदम सरल हो और हमारे जीवन से जुड़ा हो, ठीक है। और पांचवा ये है कि अब जब इतना चीज़ हो गया तो जिस देश में ये सब चीज़ चल रहा तो उस देश के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए हमको, तो पांचवा आपको सिद्धांत याद होने चाहिए। आई होप आपको सिद्धांत बहुत ईजी लगा होगा, तो एक दो बार आप देख लेंगे वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में उसको देख लेते हैं। पहला है NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के सत्य कथन क्या हैं, तो स्कूल में प्राप्त ज्ञान को जीवन से जोड़ना, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने इसको समाहित किया है। सेकंड क्वेश्चन कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक की जानकारी के साथ अन संदर्भ जोड़कर डैश को पुष्ट और गहन बना सकता है, तो अनुभव को, बच्चा बार बार पुस्तक के अलावा जो भी चीज़ें हैं उसको संदर्भ को जोड़ेगा बार बार तो क्या होगा, उसका ज्ञान उस टॉपिक से लेके बहुत ज़्यादा मजबूती होगा ना, उसको अनुभव और ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, NCF 2005 किस सूझ किस समझ पर आधार पर पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने पर बल देता है, तो शिक्षा बिना बोझ के, याद होना चाहिए आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन है NCF 2005 का कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। नेक्स्ट है NCF 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है, तो हमको डेली रूटीन पे उनकी गतिविधियों को नोट डाउन करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट है NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो संख्यात्मक कौशलों का विकास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पांचवा है पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रमों में व्यापक होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए NCF में पर्यावरण के बारे में बोला गया, पर्यावरण के बारे में बोला गया, और कोई भी आए कैसा भी प्रश्न आए अगर पर्यावरण से पूछे तो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना, मतलब पर्यावरण की हानि या पर्यावरण की असंवेदनशीलता आपको नहीं बर्दाश्त करनी है, आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है। सिक्स्थ है NCF 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो एक उत्प्रेरक की होनी चाहिए, एक इन्विजिलेटर की होनी चाहिए, वो बीच में आपको रोके ना टोके ना। नेक्स्ट है यदि सेवन्थ है यदि बच्चे फेल होते हैं तो ये क्या दर्शाता है, सीधे से बात है स्कूल की असफलता दर्शाता है, और ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एट्थ है कि NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो ये आप पढ़िए क्या है कि तार्किक ढंग से, लॉजिकल रीजनिंग उसके अंदर आए, ठीक है, क्या है तार्किक ढंग से सोचे बालक, और फिर अमूर्तनों का निर्माण करें अपने अंदर डेवलप करें, और अमूर्तनों का संचालित करने की योग्यता का विकास हो जाए, मतलब क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाए, उसकी स्टार्टिंग कैसे हो, तो उसका उनके अंदर विकास हो जाए। नेक्स्ट है नाइन्थ है कि शिक्षा का अधिकार क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आपके राइट है, मतलब आपके संविधान में ये उल्लिखित है, इसमें आर्टिकल 21A में ये भी पूछा जाए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है टेंथ फ्रेंड NCF तैयार करने वाला अभिकरण क्या है, तो NCERT तैयार करता है NCF, याद रखिएगा NCERT, अगर इसी में एन सी
NCF कौन तैयार करता है? NCERT, ठीक है, और NCFT आ जाए तो NCT तैयार करता है, आप सभी को याद रखना, बस NCF रहे तो NCERT, NCFT आ जाए तो NCT याद रखिएगा, याद करने का तरीका बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं कि NCFT तैयार करने वाला अभिकरण क्या है, तो NCT आपको बता दिया मैंने याद करने के लिए। 12th देखते हैं, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? NCF 2005, इसी पे हमारा जो भी विद्यालय चलता है उसका पाठ्यक्रम जो निर्धारित होता है NCF 2005 के बेसिस पे है। नेक्स्ट है, किनकी अध्यक्षता में विद्वानों ने NCF 2005 तैयार किया? तो NCF 2005 के जो मेन हेड थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, तो यशपाल समिति की रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर NCF 2005 का जो पाठ्यक्रम निर्धारण है वो तय हुआ था। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं फ्रेंड्स कि NCF 2005 किस पे बल देता है, तो वो करके सीखने बल देता है, मतलब रटने पे नहीं बल देता, अपने से करो अपने से सीखो। और लास्ट फैक्ट है फ्रेंड्स कि शिक्षा बिना बोझ के, ये विचार कब आया? तो ये बोझ आया 1993 में, जो ये मतलब ये बोझ सॉरी ये बोझ को हटाया गया कब? 1993, मतलब शिक्षा बिना बोझ के जो टैग लाइन बनी थी शिक्षा बिना बोझ के, कब आया था? ये 1993 में आया था। तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो था, और आई होप मैंने बहुत ढेर सारी चीज़ें आपको दी हैं इस वीडियो में, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे बाहर मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं कभी एग्ज़ाम में, चाहे आपका TET एग्ज़ाम हो NCF से लेके, NCF 2005 से लेके, चाहे आपका CET एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा में होगी तो उसकी भी मैं 100% गारंटी लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर इससे बाहर पूछ लिया था मुझे कमेंट करके, भूलिएगा सर आपने बोला था और ये आ गया, कभी नहीं हो सकता, इससे बार क्वेश्चन आएगा ही नहीं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप थम्सअप जरूर दीजिए मुझे, लाइक करिए वीडियो को और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड।